आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। कोरिया जिले के चर्चा थाना अंतर्गत पीड़िता के द्वारा थाना में उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया कि वर्ष 2019 में आरोपी राम किशोर से इसकी पहचान शादी समारोह में हुआ था। तब से दोनों में आपस में बातचीत होने लगा। एक वर्ष से आरोपी राम किशोर पंडो के द्वारा पीड़िता के साथ शादी करूंगा कहकर बांधपारा बिशुनपुर में ले जाकर बलात्कार किया गया। वहीं शिव मंदिर में विवाह की बात कर इसके मांग में सिंदूर भरा और अपने घर आनंदपुर ले गया, जहां एक माह रहने के बाद इसे पता चला कि राम किशोर की शादी पहले ही हो चुकी है। पीड़ित प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आनंदपुर निवासी राम किशोर पंडो प्रार्थी को शादी का झांसा देकर अपने घर आनंदपुर ले गया और घर में रख कर लगभग एक माह तक उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना चर्चा में अपराध क्रमांक 243/22 धारा 376/506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को पता तलाश कर उसका मेडिकल परीक्षण कराकर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। आरोपी क्या शादीशुदा था या दूसरी शादी थी उसकी? आरोपी पूर्व से ही शादीशुदा था। इस बात को आरोपी पीड़िता से छुपाया था और धोखे से उसको अपने साथ ले जाकर घर में रखकर बलात्कार कर रहा था। इस बात की जानकारी पीड़िता को होने पर उसने ऑब्जेक्शन व्यक्त किया और थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।